मिल गए सीता और राम, हो गए दशरथ नंदन सिया के राम, और सीता ने भी अपने मन चाहे वर को वरमाला पहना दी है। सीता ने श्री राम का वरण कर लिया है, क्योंकि श्री राम ने अपनी दिव्यता दिखाते हुए उस शिव धनुष को तोड़ दिया है जिसे सीता के स्वयंवर के लिए रखा गया था। और जैसे ही राम ने शिव धनुष तोड़ा, सीता जी और उनके पास बैठी उनकी बहनें और माता सबके चेहरे पर आनंद छा गया, और 16 श्रृंगार करके सजी सीता जी ने श्री राम को वरमाला पहना दी। राम की दिव्यता पूरे जनकपुरी में छा गई। दिव्यता दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप आनी चाहिए, तभी नजर आती है, तभी वो दिव्यता कहलाती है, क्योंकि आपने कोई कोशिश नहीं की और वो अपने आप बाहर आई। तो कोशिश बस यही है कि बहुत ईज के साथ में उसे दिखाया जाए। तो उसकी जो तैयारी है वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि आई थिंक इन प्रसंगों में लोगों को नजर आई दिव्यता, राम की दिव्यता सदा से थी। वैसे जनकपुरी के इस राजभवन में कई दिनों से तैयारियां चल रही थी सीता के स्वयंवर के लिए। अयोध्या के ही राजभवन को मिथिला का राजभवन बना दिया गया है। इस राजभवन को फूलों और दियों की जोत से सजाया गया है। देश विदेश के राजा महाराजाओं को निमंत्रण भी मिला है, जो स्वयंवर के आरंभ की रात देखते देखते कभी सो भी जाते थे। और हाँ, इन सब के साथ यहाँ लंकापति रावण भी आ पहुँचे हैं। वैसे आए तो वो एक दिन पहले ही थे, आते ही उन्होंने जनकपुरी के खेतों को बर्बाद कर दिया था। अपने पुष्पक विमान से उतरते ही जनक राजा का अपमान भी किया था, लेकिन राज ऋषि जनक तो मान अपमान से परे हैं। उन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता से रावण का स्वागत किया और रावण को पूरा मान सम्मान दिया। आखिर वो राज ऋषि जो ठहरे सीरियल में भी और वास्तव में भी। जो मेरी क्लास में मैं डेली सिखाता हूँ वही जनक के डायलॉग है। और जब निखिल सिन्हा मुझे मिले पहली बार, उन्होंने ये कहा मुझसे कि मैं आपको इसलिए कास्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप एक एक्टर हैं जो जनक की भूमिका, जो जनक का किरदार निभाएंगे, आप जनक हैं। और यही वो रीजन है जो लोग मुझे पूछते हैं कि आप जनक का किरदार इतनी अच्छी तरह से कैसे निभा सकते। लेकिन रावण का ऐसा नहीं है, वो भले यहाँ कहानी के विलन हैं, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं। रावण के गेटअप में, गहनों में और मुकुट में वो बहुत हैंडसम लगते हैं। भले ये गहने पहनने के बाद उनको कितनी भी चोट आए, उनका शरीर छिल जाए, लेकिन वो अपने काम को बखूबी निभाते हैं। वो भी बोले थे हमको इस रामायण में एक हैंडसम रावण चाहिए, एंड आई एम वेरी यू नो ऑनर्ड व्हेन पीपल टेल मी दैट, यू नो आप पहली बार रावण को देख रहा है, एक हैंडसम रावण आए हैं सिया के राम में, सो इट फील्स रियली गुड। रावण ने जनकपुरी में आकर धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन उससे उठ न पाया और वो खुद अपमानित अवस्था में जनक राजा का अपमान करके और बदले की भावना के साथ यहाँ से निकल गया। आखिर बदले की भावना क्यों ना आती, उनके साथ अन्याय जो हुआ, रावण के वक्त अलग धनुष और राम के वक्त अलग। राम ने उसे उठाया और वो पहले से ही ऐसे रखा था कि वो झट से टूट भी गया। ऊपर से राम का विरोध करने वालों को लक्ष्मण ने धमका कर चुप कर दिया, फिर रावण को गुस्सा क्यों ना आता। खैर, ये तो सब पर्दे के पीछे की बातें हैं। कहानी में अब गुस्से में यहाँ परशुराम आएंगे और राम के साथ उनका द्वंद होगा। अब देखे ना उनका लुक अलाइक कितना गुस्सा करके जूनियर आर्टिस्टों को कंट्रोल कर सकता है, तो असली परशुराम कितना गुस्सा करेंगे। कैमरामैन आतिश कामले के साथ हैदराबाद से संदीप पंड्या की रिपोर्ट।